नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों को थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि हम आप इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले आपको बताना चाहेंगे, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे जो है आपको हमारी आने वाली वीडियो की हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों अब आप थंबनेल देख के जानकारी कर सके होंगे कि वीडियो में क्या होने वाला है और क्या बताने वाले हैं। दोस्तों हम सभी को पता है कि 31 अगस्त को आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे और पाँचों दिनों जो है आपके 10 शिफ्टों में एग्ज़ाम आपका जो है हो जाएगा। 10 शिफ्ट में आप सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम कितने दिन कितने बच्चे दे रहे हैं और कितने बच्चे जो हैं एग्ज़ाम में अपेयरिंग हो रहे हैं, कितने बच्चे जो हैं एबसेंट हो रहे हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा अभी तक का एनालिसिस में जो है दोस्तों क्या है कि 30% बच्चे लगभग जो हैं एग्ज़ाम को छोड़ रहे हैं, 70% बच्चे ही एग्ज़ाम को लगभग दे रहे हैं। दोस्तों और दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, हार्ड आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, एवरेज आ रहा है, सभी को पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा दोस्तों आपको पता है कि आप सभी लोग पेपर करके आए होंगे, जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है वो सब पेपर करके आए होंगे, तो दोस्तों आप सभी को अपना लेवल पता लग गया हो कि हम कितना क्वेश्चन करके आए हैं और अन्य बच्चे कितना क्वेश्चन करके आ रहे हैं। और आप हर एक सोशल मीडिया पर जो है एनालिसिस भी करवा रहे हो, एनालिसिस भी कर रहे होंगे कि हाँ कितने जो है प्रतिशत बच्चे का एग्ज़ाम करके आ रहे हैं, कितने नंबर का एग्ज़ाम करके आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन लगभग एवरेज के औसत के तौर पर करके आ रहे हैं, सारी जानकारी आपको हो चुकी होगी, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सीधे सीधे वीडियो पर चलते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम आपका 31 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा और उसके एक सप्ताह के बाद 8 दिन के बाद आपको जो है आंसर की ऑफिशियल देखने को मिल जाएगी। 8 दिन के बाद आपको ऑफिशियल आंसर की देखने को मिल जाएगी और उसके 8 दिन के बाद फिर आपको क्या होगा, ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, उसके पर आप आपत्ति कर सकते हैं। आपको समय मिलेगा आपत्ति करने का कि क्वेश्चन का जवाब गलत है या सही है, जो भी आपके अनुसार, उस पर जो है उसके बाद आप आपत्ति कर सकते हैं। फिर क्या होगा, फिर आपका रिजल्ट कब तक आएगा, सभी को अब मेन पॉइंट बताते हैं कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी तक जो भी भर्ती हुई हैं, इससे पहले 41,568 की भर्ती हुई, 49,568 की भर्ती हुई, 41,520 की भर्ती हुई है। तो दोस्तों इन सभी में क्या हुआ, सबसे पहले 41,000 के बारे में आपको बताते हैं। 41,520 की जो भर्ती हुई थी वो उसका जो है एग्ज़ाम अक्टूबर में हुआ था लगभग, ठीक है, एग्ज़ाम अक्टूबर में री एग्ज़ाम हुआ था और उसमें जो है क्या हुआ, 4 दिसंबर में लगभग दिसंबर में आपका जो है उसका रिजल्ट आ गया। तो अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर, ठीक है, 2 महीने बाद उसका रिजल्ट आ गया। उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर में ही जो है DVPST होने लगा, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन, और उसके बाद जो है आपका दिसंबर में ही उसकी रनिंग शुरू करा दी। तो दोस्तों उसमें तो आपको बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए और रनिंग के लिए समय नहीं दिया गया। अच्छा इसके बाद दोस्तों क्या आते हैं, इसके बाद हम आते हैं तो उसका 41,520 भर्ती का जो है रिजल्ट इन्होंने 2.5 महीने में जारी कर दिया। अब दोस्तों आपको बताते हैं 49,568 की वाली भर्ती का, इससे पहले जो भर्ती हुई ना उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो 49,568 वाली भर्ती में क्या हुआ दोस्तों, जनवरी में उसका जो है एग्ज़ाम हुआ था, उसका उस समय चुनाव वगैरह चल रहे थे, तो उसके बाद उसका रिजल्ट दोस्तों कब आया, नवंबर में आया, ठीक है, नवंबर दिसंबर में, नवंबर में रिजल्ट आया था। तो उस समय चुनाव का दौर था तो इसलिए रिजल्ट को रोक दिया गया और जो है रिजल्ट आपका नवंबर में जारी हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नवंबर में रिजल्ट जारी हुआ। उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर में आपका जो है जनवरी में आपका फिजिकल करा दिया गया, मतलब फिजिकल जो है शुरू होगा, दिसंबर जनवरी में आपके जो है फिजिकल शुरू होगा। तो दोस्तों नवंबर में रिजल्ट और जनवरी में आपका फिजिकल शुरू होगा, मतलब लगभग 1-1.5 महीने का उन्होंने समय तैयारी का दे दिया, मतलब रनिंग दौड़ करने की तैयारी का करने के लिए दे दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से अंदाज़ा एक सोचा जा सकता है, एक आइडिया लगाया जा सकता है कि आपका एग्ज़ाम 31 अगस्त को एंड हो रहे हैं, ठीक है, 31 अगस्त को एग्ज़ाम एंड हो रहे हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है, 8 दिन के बाद आपकी आंसर की जारी हो जाएगी, उसके 8 दिन बाद आपको जो है क्या मिलेगा, समय मिलेगा आंसर की जो भी होगी आपत्ति लगाने के क्वेश्चनों पर, ठीक है। 15 दिन हो गए, आपका 15 सितंबर लगभग निकल जाएगा, मान लीजिए पूरा सितंबर इसी तरह से निकल जाएगा। दोस्तों आपके रिजल्ट इस बार जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 60,244 पदों का रिजल्ट जो है पूरा अक्टूबर में आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। और क्योंकि दोस्तों उसके रीज़न ये हैं, यह भर्ती बहुत जल्दी पूरी करा ली जाए, क्योंकि इस समय दोस्तों क्या है कि सारे एग्ज़ाम सेंटर जो हैं, ट्रेनिंग सेंटर जो हैं, सारे खाली पड़े हैं। इसमें मतलब कोई भी ट्रेनिंग सेंटर पर कोई भी बच्चे जो हैं ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो सारे ट्रेनिंग सेंटर यूपी के जितने भी ट्रेनिंग सेंटर सारे खाली पड़े हुए हैं। तो उसमें जो है दोस्तों आपकी ट्रेनिंग के लिए जल्द ही
मतलब जो है आपको भेजा जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों जो है क्या है कि आपका रिजल्ट जो है अक्टूबर, पूरे अक्टूबर में, अक्टूबर शुरुआत से लगा के अक्टूबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों जो है रिजल्ट आने के बाद आपको हो सकता है आपके पास मात्र एक महीने का ही समय आपको दिया जाएगा, नवंबर से आपकी दौड़ शुरू करा ली जाएगी, DVPST शुरू हो जाएंगे और उधर दौड़ भी होती रहेगी। तो ये दोस्तों जो है शेड्यूल है आपके रिजल्ट का। तो दोस्तों इस चीज़ पे जो है आप बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए, बिल्कुल भी आप ना रहिए चक्कर में कि आपका रिजल्ट जो है लेट आएगा और आपका DVPST या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या आपकी दौड़ लेट होगी। दोस्तों ऐसा होने वाला नहीं है इस बार। इस बार दोस्तों क्या है कि आपका रिजल्ट बहुत जल्द आएगा और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो है आपकी दौड़ बहुत जल्द शुरू होने वाली है दोस्तों। तो इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान मतलब आप ना भूलें दोस्तों। दूसरा आपको बताना चाहेंगे कि बहुत से अधिक बच्चे जो हैं सोचते हैं कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद हम दौड़ शुरू करेंगे, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी आप गलत ना करिएगा। अगर आपका स्कोर अच्छा बन रहा है कट ऑफ के अनुसार जो भी बताई जा रही है कट ऑफ, तो जो है आप अपनी दौड़ शुरू कर लीजिए। और दोस्तों अगर थोड़ा बहुत अगर आप दौड़ते रहेंगे तो वो कहीं नुकसान में नहीं जाएगा, आपके फिजिकल के लिए अच्छा है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। दूसरा क्या है, अगर आप अन्य कहीं भी फार्म डाले हैं SSC में या अन्य कहीं भी दौड़ होने वाले, तो उसके लिए भी आप जो है बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम अब हो चुका है लगभग सभी बच्चों का। तो जो है आप अपनी जो है दौड़ शुरू कर दीजिए दोस्तों। धीरे धीरे दौड़ना शुरू करेंगे तब आपको हैबिट होती है दौड़ने के लिए। इतनी जल्दी आप जो है दौड़ क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, दौड़ को इतना हलवा मत समझें, क्योंकि 5 किलोमीटर की दौड़ होती है। तो जो है आपको चलना है लगातार 5 किलोमीटर, मतलब आधा घंटा आपको बिल्कुल कंटिन्यू चलना है। फास्ट दौड़ नहीं है कि आपको 5 मिनट 7 मिनट में दौड़ के बस इकट्ठा एकदम जोर लगा दिया फिर बैठ गया, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको 25 मिनट लगातार दौड़ना ही दौड़ना है। तो इसलिए दोस्तों आप सभी को बता रहे हैं कि आप अपनी दौड़ शुरू कर दीजिए। जो भी मेरे भाई बहन इस समय जो है भर्ती में भाग ले रहे हैं, उनका पेपर अच्छा गया है, तो वह भाई बहन सभी लोग जो है अपनी दौड़ को शुरू कर दें, उनके लिए यही बेनिफिट रहेगा। आपको बता दें क्योंकि ये हम सभी लोग झेले हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको भर्ती के लिए मतलब दौड़ के लिए ज़्यादा समय दिया जाए, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ उम्मीद जताई जा सकती है कि 1 माह का समय लगभग आपको मिलेगा, तो 1 माह में आप तैयारी कर लेंगे अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अभी से अगर आप धीरे धीरे हैबिट में डालेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आप बिल्कुल भी दौड़ जो है कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर देना। और बाकी जिन भाई बहनों का एग्ज़ाम अगर अभी नहीं हुआ तो वह अपना एग्ज़ाम दें अच्छे से, मेहनत करें और आप एक सीट हर हाल में लें दोस्तों, बाकी अपनी तैयारी करते रहें अच्छे से। बस हमारी शुभकामनाएँ हैं आप सफल हों, सक्सेस हों, एक सीट आप अपनी पक्की लें और वर्दी अपनी पहने, जिससे जो है अपने माता पिता आपके माता पिता का सपना पूरा हो दोस्तों। जो मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों।